गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास बेटा फ्रॉम टूडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर डेट इज चैप्टर नंबर फिफ्टीन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स ओके आप सबने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा अपनी फिफ्थ सिक्स प्रीवियस क्लासेस में ट्राइंगल की डेफिनेशन ट्राइंगल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ओके तो प्रपर्टीज ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट प्रीवियस रिवाइज कराती हूँ उनकी डेफिनेशन उसके बाद हम ट्राइंगल्स की प्रोपर्टीज स्टार्ट करेंगे ओके okay? तो फर्स्ट आप सबको ट्राइंगल की डेफिनेशन पता है ट्राइंगल क्या होता है इट इस टाइप ऑफ अ पॉलीगन ये एक पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टेक्स ओके ये इसकी बेटा फिगर हो गई अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की हमारे टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं थ्री ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ओके फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है मतलब अगर ये टू सेंटीमीटर है तो ये भी टू सेंटीमीटर होगा और ये भी टू सेंटीमीटर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजर नेक्स्ट बेटा आपका सेकेंड आइसोलस ट्राइंगल आइसोलेस ट्राइंगल अ ट्राइंगल है मीन्स आपकी सिर्फ टू साइड्स इक्वल होंगी अगर ये टू सेंटीमीटर है ये टू सेंटीमीटर है तो दिस साइड इज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ओके नेटा स्केल एंड ट्राइंगल वाइंगल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ मीन्स आपकी जो ट्राइंगल की तीनों साइड होंगी वो डिफरेंट लेंथ की होंगी डिफरेंट मेजरमेंट की होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे स्केल एंड ट्राइंगल ये तीन ट्राइंगल्स है आपके ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अब जो नेक्स्ट में आपको स्टार्ट करा रही हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स फर्स्ट इज एक्यूट ट्राइंगल ओके एक्यूट ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल ईच ऑफ मेजर लेस देन नाइन्टी डिग्री ओके जैसे आपके पास कोई भी ट्राइंगल है जो उसमें तीन एंगल होंगे वो नाइन्टी डिग्री से ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन नाइन्टी डिग्री होंगे ओके एग्जैक्ट नाइन्टी नहीं होगा एटी नाइन हो सकता है लेकिन नाइन्टी नहीं होगा तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल जीरो एंड नाइन्टी के बीच में बिटवीन जीरो एंड नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट बेटा राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल मीन्स आपका कोई भी एक एंगल एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री का होगा तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज ऑप्टीज ट्राइंगल मीन्स मोर देन वन नाइन्टी एंड लेस देन वन एटी डिग्री नाइन्टी और वन एटी के बीच में जैसे एक्यूट में होता है बिटवीन जीरो एंड नाइन्टी एंड ऑप्टीव में होगा बिटवीन नाइन्टी एंड वन एटी डिग्री ठीक है नेक्स्ट बेटा आपकी डेफिनेशन से पैरिमीटर पैरामीटर आप सबको पता ही होगा पैरिटर ऑफ क्या होता है द सम ऑफ 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 ऑल अ अ गिवन फिगर फिगर या प्लेन अगर ट्राइंगल की बात करूं तो तीनों साइड्स का सम उसे हम क्या बोलेंगे पेरीमीटर द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द दैरिमीटर ऑफ अ ट्राइंगल तो ये तो बेटा प्रीवियस आपकी जस्ट बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको हमेशा ही पता होनी चाहिए आपकी फिफ्थ क्लास से स्टार्ट हो जाती है ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड ये पैरिमीटर वगैरह अब जो आपका सेवन्थ क्लास में न्यू टॉपिक आया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स चार प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वन बाय वन एंगल सम प्रॉपर्टी पैथोगोरस थ्योरम ट्राइंगल इनइलिटी एंड हमारा है एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो आज हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को कवर करेंगे इस वीडियो में डेट इज एंगल सम

जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इनगल ए बी सी आपको क्या है एंगल ए सेवेंटी टू डिग्री एंगल बी सिक्सटी थ्री डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एंगल सी आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है तो बेटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन इजली फाइंड आउट ओके okay? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ए एस पी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए और बी की वैल्यू की वन है आप सी को कुछ भी एक्सलेट कर सकते हो या सी की जगह सी भी लिख सकते हो तो तीनों का सम क्या होता है वन एटी डिग्री आप इनको ऐड करोगे और 180 में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे एंगल्स ही आ गया 45 डिग्री ओके आ, नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपका अब कोई भी टाइप कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको दो एंगल गिवन है और आपको थर्ड फाइंड आउट करना है तो आप क्या यूज करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी नेक्स्ट बेटा आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द है वो एंगलो में गिवन है, है तो हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक फोर एक्स थ्री एक्स एंड टू एक्स अब बाई एंगल्स इन तीनों का सम क्या हो जाएगा वन एट्टी डिग्री तो फोर एक्स एंड थ्री एक्स हमारे सेवन एक्स सेवन और टू नाइन एक्स तो ये नाइन और एक्स आपस में क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई में तो नाइन यहाँ पे किस में आएगा अपोर में मींस डिवाइड में तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी तो सिर्फ आपको यहीं तक नहीं छोड़ना कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करी और क्वेश्चन ओवर खत्म बेटा यू हैव टू फाइंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ओके जो एंगल्स हमने लेट क्या किए थे फोर एक्स थ्री एक्स एंड टू एक्स ना वो आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा फोर इंटू ट्वेंटी नेक्स्ट थ्री इंटू ट्वेंटी एंड थर्ड वन इज टू इंटू ट्वेंटी तो ये हमारे एंगल्स आ गए आप इसको चेक भी कर सकते हो इन तीनों का सम हमारा वन एटी ही आएगा ओके नेक्स्ट बेटा योर क्वेश्चन इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज थर्टी सिक्स डिग्री फाइंड द अदर अब देखो कह रहा है वन ऑफ द एक्यूट एंगल मीन्स जो आपके ट्राइंगल है उसमें से कोई एक्यूट एंगल गिवन है एक्यूट एंगल क्या होता है जीरो और नाइन्टी के बीच में हो और थर्टी सिक्स इसमें आता है बिटवीन जीरो एंड नाइन्टी डिग्री तो एक तो आपको एक्यूट एंगल गिवन है थर्टी सिक्स डिग्री आपको अदर फाइंड आउट करना है अब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमारे पास कम से कम दो एंगल तो पता ही होने चाहिए जब भी तो हम थर्ड वन फाइंड आउट करेंगे लेकिन यहां पे एक वर्ड लिखा है राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी मीन्स उसमें एक एंगल एग्जैक्ट कितने डिग्री का होता है नाइन्टी डिग्री का तो एक एंगल हमारा नाइन्टी का हो जाएगा एक थर्टी सिक्स का और थर्ड वन को हम कुछ भी एक्स वगैरह लेट कर लेंगे ठीक है तो वो ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज ऑफ नाइनटी डिग्री क्योंकि हमें गिवन है ओके राइट एंगल ट्राइंगल का वन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मीन एक एंगल नाइनटी डिग्री का होगा और एक आपको एक्यूट एंगल है इज डिग्री यू हैव टू फाइंड द अदर तो उस अदर को हम एक्सलेट कर लेंगे अब हमारे पास दो एंगल पता हमारे पास दो एंगल आ गए तो थर्ड वन को हमने एक्सलेट कर लिया अब वी कैन इजली अप्लाइड एंगल सम प्रॉपर्टी ओके okay? अब हम तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा तीनों का वन एटी डिग्री तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 54 डिग्री तो आपका जो थर्ड एंगल है वो है 54 डिग्री